हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग? इमरजेंसी प्लानिंग क्या है? व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम? वर्क परमिट सिस्टम क्या है? व्हाट इज वर्क एट हाइट? वर्क एट हाइट क्या है? व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस क्या है? ये इंटरव्यू के 5 क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, ये आपको पता है या नहीं है। अगर सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी सुपरवाइजर है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड। द एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड रहता है, अंदर में भरा हुआ घमंड जिसको हम बोल सकते हैं। एटीट्यूड मे बी डिस्क्राइब एज कंटिन्यूअस बिहेवियर। एटीट्यूड को इसकी आदत, हैबिट की तरह डिस्क्राइब तो व्याख्या कर सकते हैं। इफ मैंस बिहेवियर इज गुड देन हीज एक्शन विल बी आइदर करेक्ट और सेफ। यदि आदमी का बिहेवियर, व्यवहार अच्छा है तो उसका एक्शन मतलब आचरण सही या सुरक्षित होगा। हम बोलते हैं ना, किसी का बिहेवियर अच्छा है तो बोलते हैं ये आदमी अच्छा होगा, तो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो किसी आदमी के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, उससे उसके एटीट्यूड का पता चलता है। तो इसी के हम एटीट्यूड बोलते हैं। व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम? तो वर्क परमिट सिस्टम क्या है? वर्क परमिट सिस्टम इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर परमिशन टू अंडरटेकन अ जॉब बाय एरिया इंचार्ज। वर्क परमिट सिस्टम एक लिखित डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है जो एरिया इंचार्ज द्वारा काम करने की परमिशन तो अनुमति देता है। और इट इज रिटन डॉक्यूमेंट इशू बाय द एरिया इंचार्ज टू द परफॉर्म टू अंडरटेक द स्पेसिफिक जॉब। और यह स्पेसिफिक जॉब करने के लिए एरिया इंचार्ज द्वारा जारी किया गया लिखित डॉक्यूमेंट है, मतलब एरिया इंचार्ज इसको जारी करता है, लिखित देता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसी को परमिट सिस्टम हम बोलते हैं। व्हाट इज वर्क एट हाइट? वर्क एट हाइट क्या है? तो ऊंचाई का काम किसको कहते हैं? एनी वर्क एबव 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। यहाँ पे कॉल्ड होगा वर्क एट हाइट। कोई भी काम जो जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे हो, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस क्या है? एन एरिया विच इज स्मॉल एंड इनक्लोज्ड। एक एरिया जो छोटा हो और पूरा बंद हो। एन एरिया वेयर वन एंट्री एंड एग्जिट। और एक एरिया जहां एक जाने का रास्ता हो और एक आने का रास्ता हो। और वेयर अ मैन कैन नॉट वर्क कंफर्टेबल इन एनी लोकेशन। और जहाँ एक आदमी कंफर्टेबल होकर किसी भी लोकेशन पर काम न कर सके उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जहाँ पे कोई भी आदमी कन्फाइंड स्पेस, एक छोटा सा जगह होगा, बंद होगा, या उसमें जाने का एक ही रास्ता होगा, आने का एक ही रास्ता होगा, वन एग्जिट एंड एंट्री। और जहाँ पे कोई भी लोकेशन पर जहाँ पे आदमी कंफर्टेबल होकर काम न कर सके उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस, मतलब छोटा सा जगह काम करने के लायक नहीं, फिर भी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी को हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग? इमरजेंसी प्लानिंग क्या है? इमरजेंसी प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रोल मेजर। इट कैन कंट्रोल द एक्सीडेंट्स, सेफ गार्ड पीपुल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मीडिया। इमरजेंसी प्लानिंग को एक कंट्रोल मेजर के रूप में परिभाषित मतलब डिफाइंड किया जा सकता है। यह एक्सीडेंट को कंट्रोल करता है और लोगों की सुरक्षा करता है और मीडिया को इंफॉर्मेशन जानकारी प्रोवाइड करता है, उसे हम इमरजेंसी प्लानिंग कहते हैं। इमरजेंसी प्लानिंग मतलब हम एक कंट्रोल मेजर की तरह परिभाषित कर सकते हैं, इससे हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं और लोगों की भी इससे सुरक्षा होती है और मीडिया को हम जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को हम इमरजेंसी प्लानिंग कहते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम ऐसे ही और आपको सेफ्टी का अपडेट जानकारी देते रहें।